नमस्कार साथियों, फैबुलस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे पेपर डिस्कशन, और पेपर डिस्कशन में हमने कर लिए थे एक पेपर का एनालिसिस, और अब हम आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में और आज शुरू करते हैं पेपर सेकंड का एनालिसिस। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि एनालिसिस पेपर का उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कोई एग्ज़ाम देना या आपका प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो जो भी आप पेपर दें उनका एनालिसिस ज़रूर करें और अपनी कमियों को दूर करें, ठीक है। दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, आपने उसमें कितना टाइम लिया था वो देखो, कि टाइम कैसे कम किया जा सकता है या पेपर को और बेस्ट तरीके से कैसे हल किया जा सकता है, या फिर जो पेपर में जो क्वेश्चन आए उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे डिस्कशन करना था, ठीक है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज दे आओ देखो पेपर सेकंड का, जो एयरफोर्स का वाई ग्रुप का मैथ का पेपर लगा था सेकंड का, उसका एनालिसिस, ठीक है। शुरू करते हैं, पहला प्रश्न किस प्रकार आया था और उसको उसका आंसर कैसे देना था, ठीक है। दोस्त, देखो क्या प्रश्न आया था। कभी कभार क्या होता है एग्जाम में दोस्तों, कि जो पहला ही प्रश्न होता है वो थोड़ा बड़ा प्रश्न दे देता है और उसको देख कर हम घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न दे, क्योंकि जितना बड़ा प्रश्न होता है उसका सॉल्यूशन या फिर वो इतना ही इजी प्रश्न होता है। तो आप क्या करें कि जब भी बड़ा प्रश्न आए आप घबराएं नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप हल करने की कोशिश करें। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात क्रमशः क्या है, 16:15 है। देखो दोस्तों, ये तो रेल है, ये लो रेल, चेंज कर लेते हैं कलर इसका, रेल दोस्तों, ये लो रेल, और क्या है, एक है कार। इन दोनों की गति का अनुपात क्या है, 16:15 है। ये लो दोस्तों, 16:15। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे अपन को चलना है। दोस्तों देखो, रेल अगर 16 की स्पीड से चलती है तो कार कितने की चलती है, 15 की स्पीड से, मतलब अनुपात है इन दोनों में। अगर रेल 30 की चलेगी, ये रेल 32 की चलेगी, तो कार कितनी, 30 की स्पीड में चलेगी, दो गुना हो जाएगा, ऐसे 3 गुना, ऐसे 4 गुना, मतलब क्या है, ये अनुपात है, छोटा रूप है इसका, ठीक है। आगे बढ़ो, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। क्या कर रहा है, बस है, ये लो दोस्तों, बस क्या करती है, दूरी तय करती है, कितनी कितनी दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर, ये लो दोस्तों, 480 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। कितने समय में, ये लो समय, कितना समय है दोस्तों, समय कितना है, 8 घंटे, 8 आवर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है, आगे प्रश्न पढ़ो कि बस की गति, अब बस की क्या निकालनी है अपन को, स्पीड निकालनी है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, कोई बात नहीं, बस की गति देखते हैं अपन। तो चाल क्या होती है दोस्तों, चाल क्या होती है, दूरी बटा समय, ये तो सबको याद होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी दे रखी है दोस्तों, कितनी दे रखी है, 480, और समय कितना दे रखा है, 8 घंटे, तो कितना हो गया दोस्त, चाल कितनी हो गई, देखो 8 × 6 = 48, कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो गई दोस्त गति, किसकी गति, बस की गति, क्योंकि बस की गति की बात कर रहा है, तो बस की गति निकाल ली, कितनी आई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न में, क्या बोल रहा है कि बस की गति है रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। क्या बोल रहा है, देखो यहां तक अपना काम, बोल रहा है कि बस की गति जो है क्या है, रेलगाड़ी की गति की, रेल की गति की कितनी है, 3/4 है, ये लो भाई इसका 3/4 कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, 6 घंटे में कार कितनी दूर तय करती है, देखो कार की गति 15 दे रखी है जब रेल की 16 हो, तो अपन हल करके यहाँ तक पहुँचना है, मतलब पहले किसकी चाहिए, रेल की गति चाहिए। तो रेल की गति के लिए क्या करेंगे, बस की गति अपन को दे रखी है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है, और फिर अपन को रेल की गति निकालनी है। दोस्तों रेल की गति कितनी हो गई, 3/4। अब इसको इधर गुणा करना है, तो रेल की गति कितनी आएगी दोस्तों, रेल की गति आएगी 60 × ये 4 इधर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये 3 जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, तो देखो कितने आए, ये 4, सॉरी, तो देखो 3 इसको गुणा किया तो कितनी बार गया,
20 बार, तो 20 चौके कितना हो गया दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई किसकी, रेल की गति। यहाँ तक अपन ने निकाल लिया, रेल की गति अपने पास आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटे। किसकी चाहिए दोस्तों, किसकी गति चाहिए, गति चाहिए मुझे कार की, क्योंकि कार की गति से ही दूरी निकाल सकते हैं। कैसे, कि मेरे पास स्पीड आ गई, तो स्पीड को देखो यहाँ 6 घंटे क्या दे रखा है, समय दे रखा है, तो देखो दूरी निकालने के लिए चाल को समय से गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं कि 80 दे रखी है, तो देखो ये कितनी दे रखी है 80, लेकिन अनुपात कितना बोल रहा है, 16 बोल रहा है ना, अनुपात तो 16 ही बोल रहा है, तो 16 बराबर 80 है, तो कितना गुणा है, 5 गुणा है। तो इधर भी दोस्तों 5 गुणा कर दें, और इधर 5 गुणा किया तो ये कार की गति कितनी आ गई, 75 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ गई कार की गति। लेकिन क्या चाहिए, कार 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों गति आ गई मतलब 1 घंटे में 75 किलोमीटर जा रही है, तो 6 घंटे में कितनी जाएगी दोस्तों, 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, देखो ये 6 घंटे में दूरी तय करवानी है, तो 6 से गुणा कर दिया, तो 75 को 6 से गुणा किया तो कितना आया दोस्त, 450 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ गया इसका आंसर। क्या आ गया दोस्तों, 450 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर आ गया। यार यहाँ पर कहाँ दे रखा है ये, 450 यहाँ दे रखा है, तो 450 अपन यहाँ पर आंसर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं आराम से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आपने क्या किया, बस जैसे जैसे प्रश्न चलता रहा आपने इसका आंसर निकालते रहे, आगे बढ़ते रहे, स्टेप बाय स्टेप इसका हल किया, तो इसका आंसर ये आ गया। दोस्तों देखो बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, पहले आप 2-3 राउंड लो एग्ज़ाम में हल करने के लिए, 2 राउंड तो कम से कम, तो पहले राउंड में ऐसे जैसे बड़ा क्वेश्चन लगे आपको उसको छोड़ते चलो, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाओ, और अगर छोटा क्वेश्चन है या आपको ये लगता है कि मैं इसको जल्दी सोल्व कर लूँगा, तो आप उसको तुरंत वहीं हल कर दें। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं कैसा प्रश्न आया था और आपने उसका क्या आंसर दिया है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है, यदि बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है, तो बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात बताइए। देखो दोस्तों ये बस है, मान लिया ये बस है, ठीक है, अब एक व्यक्ति है, बस की जो है लंबाई है वो एल है, देखो तो बस को एक व्यक्ति पार कर रहा है, देखो यहाँ से व्यक्ति चला ऐसे 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 को पार कर गया, इसका मतलब व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की, एल दूरी तय की। अब देखो दोस्तों एक खंभा यहाँ था, ये खंभा पोल लगा हुआ है, और ये बस इसको पार करके जा रही है, तो बस देखो स्टार्ट हुई फिर ये थी बाहर निकल गई, मतलब एल दूरी ही बस तय करेगी, तो दोनों की दूरियाँ क्या हो रही है, समान। देखो दोस्तों चाल बराबर होता है, दोस्तों चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यही तो होता है दोस्तों। दूरी कांस्टेंट होती है, दूरी फिक्स होती है, दूरी समान होती है, ये दूरी समान, तो क्या करना है, चाल जो आएगी वो 1/ समय के समानुपाती आएगी, इसका मतलब है कि चाल समय का क्या होगा, उल्टा होगा। अगर चाल बढ़ेगी, देखो दोस्तों चाल बढ़ेगी तो क्या होगा, समय कम लगेगा। ये तो अपन देखते हैं, जैसे अपन यहाँ से सीकर जा रहे हैं या फिर अपन यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, जैसे सीकर से जयपुर जा रहे हैं, तो अपने स्पीड है 80 की स्पीड में चले तो अपन को 1.25 घंटा लगेगा, लेकिन अपन अगर 120 की स्पीड में चले तो अपन को 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि स्पीड बढ़ाई तो क्या, समय कम हो गया, और अगर स्पीड घटाई तो समय ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब उल्टा है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्यक्ति, ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति और एक है बस, इनकी चाल है, इनकी चाल सॉरी समय दे रखा है, क्या दे रखा है, समय, कितने समय में, देखो समय दे रखा है दोस्तों, ये बोल रहा है कि 18 सेकेंड में पार कर रहा है, और बोल रहा है कि जो बस है वो कितने सेकंड में पार कर रही है, 4 सेकंड में पार कर रही है, यही तो बोल रहा है भाई, ये 18 सेकंड में रही है, 4 सेकंड में। अब मैंने बोला कि चाल समय का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो दोस्तों, उल्टा ले आओ इधर,
और इसको इधर ले जाओ तो उल्टा ले आ गए, तो ये तो 4 इधर आ गया और 18 इधर हो गया। तो देखो 2:9 क्या आया आंसर है, 2:9 देखो काट दिया इसका, 2 का भाग दे दिया तो यहाँ 2 बार और 9 बार। अब पूछा क्या है दोस्तों, देखो बस तथा व्यक्ति, किसकी, बस तथा व्यक्ति, तो बस की कितनी है 9 और व्यक्ति की कितनी है 2, तो बस तथा व्यक्ति की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:2 हो जाएगा। ऐसे ही निकाल सकते हैं दोस्तों, जब भी दूरी कांस्टेंट हो तो आप क्या करें, दूरी कांस्टेंट हो तो आप क्या निकाल लें, चाल को समय का उल्टा कर दें और आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न है ना जो मैं आपको चाल समय दूरी के चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, तो आप अपनी अपनी जो YouTube चैनल है या फिर अपना जो ऐप है उसके माध्यम से अच्छा सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न कैसा आया था, अगला प्रश्न बहुत ईजी है, क्या है, संख्याओं का योग दे रखा है। क्या है दोस्तों संख्याओं का योग, देखो 5, 6, 7, 8 कहाँ तक, 19 तक। तो देखो प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला पूछा था, बताया था मैंने, देखो 1, 2, 1+2+3+4 कहाँ तक, एन तक का। तो मैंने ये क्या होता है दोस्तों, 1+2+3+4+n तक कितना होता है, n(n+1) होता है बटे 2, यही होता है n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला, यही तो होता है। तो इसको अच्छे से आता है अपन को, या इसको मैंने अच्छे से देख लिया तो ये कई जगह काम में आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लें दोस्तों। तो देखो ऐसे कर सकते हैं कि देखो 19 तक योग है, तो कहाँ से कहाँ तक का, देखो 5 है 6 है, तो मैंने देखो कहाँ से शुरू किया, ऐसे कर सकता हूँ मैं, ऐसे कर सकता हूँ कि देखो 5 से 19 तक है, तो 1 से 19 तक का निकाल लिया, फिर 1 से 4 तक का वापस घटा दिया। क्या करें दोस्तों, देखो 1+2+3+4 कहाँ तक, 19 तक, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो 1 से स्टार्ट होकर n तक है, और इसमें से मैंने घटा दिया 1 से लेकर कितने तक है, 1 है+2 है+3 है+4 है, ये 3+4 ये घटा दिया मैंने 4 तक वापस। तो यहाँ फॉर्मूला लगा लो, यहाँ n बराबर कितना है, 19 है ये, और यहाँ n बराबर कितना, 4 है। तो देखो n रखा यहाँ पर 19, और 19 और 1 कितना, 19+1/2, और इसमें से माइनस घटाना है कितना, 4, और 4+1/2 ऐसे, भाई n का मान रखना है सीधा ही, रख दिया मान, देखो ये कितना हुआ 20, 20 में से गया तो कितना आया, 190। देखो ये 20 बार 20 में 2 का भाग दिया तो 10, 19 को 10 से गुणा किया तो 190, और इधर देखो 4, 1, 5 ये 2 से गुणा किया तो 10, कितना आया, 190 में से 10 गया तो दोस्तों कितना आया, 180 आंसर आ गया। बहुत आसान था, फॉर्मूले से अपन हल कर पाए, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक और तरीका है जो बेस्ट है, जो जिसको अपन बहुत जल्दी से सोल्व करने के लिए काम में ले सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर 5 है+6 है+7 है कहाँ तक, 19 तक। तो दोस्तों जब भी संख्याओं का योग आएगा तो कुल संख्या आएगी, एक फॉर्मूला होता है कुल संख्या इंटू प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, क्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब दोस्तों यहाँ कुल संख्याएं कितनी है वो देखनी है, तो देखो 1 से लेकर 19 तक कितनी, 19 होती है, उसमें से 1 से लेकर 4 तक की वापस घटा दी, मतलब 1 से लेकर 4 तक की 4 वापस घटा दी, 5 को तो शामिल करना है, तो 19 में से 4 वापस घटा दी तो संख्या कितनी बची दोस्तों, 15। तो कुल संख्याएं कितनी हो गई, 15, प्रथम संख्या कितनी है 5 और अंतिम संख्या कितनी है 19, यही तो, और बटा 2। तो देखो हल करें इसको, तो देखो 15 और 19 से 5 कितना 24, और बटा 2 तो देखो ये 12, और 15 12 कितना होता है 180, ये आंसर आ गया दोस्त, 180 पर अपन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बहुत ही आसान सा सवाल था और बहुत अच्छे से इसको सोल्व किया जा सकता था। दूसरा एक तरीका और है दोस्तों हल करने का, देखो कैसे, बहुत ही इजी तरीके से अपन को देखना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि देखो 15 और 19 क्या होता है, आपको पता है कि संख्या आएंगी, क्या आएंगी, संख्याएं आएंगी, और उसमें प्रथम और अंतिम जुड़ेगी, जब भी कोई गुणा, जब भी संख्याएं जुड़ती है तो पहली और लास्ट की जुड़ती है, टोटल संख्याओं से गुणा होता है, 2 का भाग लगता है, तो इसमें 2 का भाग लग गया। देखो दोस्तों ऐसे कर सकते हो कि 19 से 5 तो जुड़ेगी, कितना 19 से 5 कितनी होगी दोस्तों 24, क्या ये 24, और उसमें 2 का भाग लगेगा, और उधर कुल संख्याएं और है, तो देखो इसको गुणा किया तो ये 12,
कितनी आई? 12। तो कोई भी ऑप्शन देख लो जिसमें 12 का भाग जा रहा है। किसमें? देखो इसमें 12 दूनी 24, 12 3 36 हो गया, और फिर कितना बचा? कितना बचा? 36 और 9 45 92। इसमें भी भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, केवल इसमें जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा भी अपन इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रिक हैं ये आपको प्रैक्टिस से आएगी, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, हमारे साथ बने रहें, आप लगभग स्कोर कर पाएंगे। मतलब अपना जितना सिलेक्शन के लिए आवश्यक होगा उतना स्कोर कर पाएंगे। मैथ्स में तो आप लगभग 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अपन करते हैं। छोटे छोटे प्रश्न आए थे कि एक वस्तु को 20% हानि पर 8,000 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और हानि, तीन चीज़ दे रखी है इसमें। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य दे रखा है कितना? 8,000। हानि दे रखी है 20%। क्रय मूल्य अपन को निकालना है। तो दोस्तों क्या होता है क्रय मूल्य? देखो क्रय मूल्य मान लिया क्या? क्रय मूल्य मान लिया कितना? 100 रुपये है। तो हानि, हानि कितने की दोस्तों? हानि हो गई 20 की, यही तो बोल रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्त? विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 पर 20 की हानि हो गई, इसका मतलब 80 में बेचा है उसको, तो विक्रय मूल्य 80 हो गया। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है? 80 नहीं दे रखा, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 8,000। कितना दे रखा है? 8,000। मतलब 80 का कितना गुणा है? 100 गुणा है। भाई अपन ने तो निकाला 100 मान के, लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि 100 मान के नहीं, वास्तव में 8,000 है। तो अपने 80 के बराबर प्रश्न का 8,000 है, तो अपने वाले को 100 से गुणा करते ही प्रश्न के बराबर आ जाएंगे। तो 100 से इधर गुणा किया तो इधर भी 100 से गुणा कर दिया, तो इधर 100 से गुणा किया तो कितना आया दोस्त? 10,000 आ गया, ये आंसर आ गया। तो 10,000 पर टिक कर देंगे। या फिर आपका जो दूसरा तरीका है उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। कैसे? कि माना ए है और ए का कितना हो गया? 20% कम हो गया, मतलब 80/100, और वो कितना है? 8,000 है। तो ए बराबर कितना आएगा? देखो ये काट दिया, ये 4 और ये 5, तो 8,000/4×5। देखो 4 से इसको 2 बार, तो 2,000 × 5 कितना हो गया दोस्त? 10,000। ये तरीका भी आपको अच्छा आता है तो इससे भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। बहुत आसान सा प्रश्न था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कैसा प्रश्न आया था देखते हैं। देखो कैलकुलेटिव प्रश्न है दोस्तों। क्या है? 980 का 12% माइनस 450 का कितना परसेंट बराबर 227 का 300% है। बहुत आसान सा प्रश्न है, कैलकुलेटिव प्रश्न है, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो हो जाएगा। कैसे? देखो क्या दे रखा है, 980 का कितना परसेंट 12% है, तो 12/100 कर दूं, ये लो दोस्तों माइनस, देखो ये कितना 450 का कितना परसेंट मान लिया मैंने ए परसेंट है, तो ए बटा 100 कर दूं क्या? यहाँ पर ये है तो ये चीनी लगा देते हैं, कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, अपन चीनी लगा देते हैं कि गुणा ये लो परसेंट हटाया 100 आ गया बराबर 227 का कितना 30%, 30/100। देखो दोस्तों बिंदु से बिंदु हर जगह कट गई, इधर भी काटती इधर भी काटती, ये तो कितना आया देखो दोस्तों 980 × 12 ये आ गया। आगे देखो बटा 10 है ही माइनस, इसको मैं इधर ले आऊं और जो संख्या है संख्या संख्या को एक साइड में, जो ज्ञात करना है उसको एक साइड में, तो इसको इधर ले आए तो कितना आया 227 × 3/10 और माइनस ये कितना आया 450 × ये क्वेश्चन मार्क बटे 450 नहीं दोस्तों 45 ही आएगा, क्योंकि बिंदु तो काट दी थी अपन ने, बिंदु काटती थी, तो ये कितना आया 45 × 10 ये आ गया। देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने 10 कॉमन ले लिया, कितना 10 कॉमन ले लिया, इसमें से मैंने 3 बार निकाल दिया तो ये कितना आया 98 × 4 और माइनस देखो इसमें 3 बार आ गया दोनों में से, तो इधर कितना आया 227 और ये आ गया बराबर 45 × 10। कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, 10 से 10 कट गया, 3 का भाग कितनी बार गया 15 बार, इसको देखो 98 को 4 से गुणा किया तो 392 आ गया और उसमें से 227 घटा दिया बराबर कितना आया दोस्तों 15 × ये। आप देखो ये 392 में से 227 गए तो 27 × 92 कितना 65 हो गया, तो 165 बराबर कितना आया 15 × क्वेश्चन मार्क,
तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया 165/15, कितना आया दोस्त 11, तो 11 पर अपन आंसर कर देंगे। ये थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न होता है, जहाँ कैलकुलेशन होती है वहाँ अपन को हल करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है ना। तो अच्छे से इसको समझ सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी कैलकुलेशन उतने फास्ट अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 है, तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी। दोस्तों मैंने बताया था आपको, पिछला जो पेपर एनालिसिस अपन ने किया था उसमें हमने सीखा था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का वो कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, कमेंट करके बताओ कितना होता है, √3/4 और ए स्क्वायर, ये तो होता है। यहाँ ए क्या है, भुजा है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ √3/4 भुजा स्क्वायर, ये भी तो होता है भाई, एक ही जगह भुजा है। तो देखो ये दे रखा है आपको कितना, 16√3 दे रखा है, क्या दे रखा है 16√3, तो देखो 16√3 = √3/4 भुजा स्क्वायर, यही तो देखो यहाँ से √3 से √3 गया और इधर आ गया, तो ये आ गया भुजा का स्क्वायर बराबर 16 × 64, और भुजा कितनी आई दोस्त, भुजा कितनी आई, रूट कर दिया √64, तो कितनी आई 8 आ गई, तो इसकी भुजा कितनी आई 8 सेंटीमीटर आ गई। तो देखो यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा मिस्टेक रह गया, यहाँ पर वर्ग सेमी और लगाना भूल गए, ये टाइपिंग एरर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वर्ग सेमी है तो इधर कितना आंसर आ जाएगा 8 सेमी। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको याद रखना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, और दूसरी बात याद रखनी है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है √3/2 ए, जो मैंने पिछले पेपर में डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, दो सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम एक सिर चाने की प्रायिकता क्या होगी। देखो दोस्तों ये सिक्का है और इसको उछाला तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो यहाँ पर संभावनाएं कितनी बनी 2। ऐसे ही दूसरा सिक्का है, इसको उछाला तो एक या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो इसकी संभावनाएं कितनी बनी 2। अब देखो दोस्तों जब दोनों सिक्कों को साथ उछाड़ेंगे तो दो संभावनाएं इसकी, दो संभावनाएं इसकी, टोटल कितनी संभावना हो जाएंगी 4। कैसे, इनका गुणा कर देंगे, इनका गुणा कर दिया, संभावनाएं को जो आएगी 4 उसको निकाल दिया, कितनी संभावनाएं बनेगी कुल 4 संभावनाएं बनेंगी। देखते हैं कैसे, देखो दोस्तों यहाँ से क्या आ गया, हेड आ गया, क्या यहाँ से इसमें दोनों को उछाला तो इसमें हेड आ गया और इसमें भी हेड आ गया, तो ये HH हेड हेड आ गया दोनों में। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, देखो इसमें से हेड आए और इसमें से टेल आए, ये हेड और ये टेल, ये भी तो हो सकता है, अभी दोनों सिक्कों को उछाला तो इसमें तो हेड आ गया इसमें टेल। दोस्तों ये भी हो सकता है, देखो इसमें से टेल आया और इसमें से हेड आया, तो ये टेल और ये हेड, ये संभावनाएं बनी। और भी संभावनाएं हो सकती है कि इसमें भी टेल आए और इसमें भी टेल आए, तो ये लो टेल और इसमें भी टेल। अब देखो क्या है, तो कम से कम एक शीर्ष, मतलब कम से कम एक शीर्ष का मतलब है हेड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए एक कम से कम। देखो इसमें भी एक, एक नहीं दो है, तो दो है तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक आना चाहिए। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, कितने में, 1, 2, 3, तीन में हेड है, तो 3 लगा दो दोस्तों, ये ऊपर 3 रख दिया, आंसर कितना आ गया 3/4, ये 3/4 आंसर आ गया। बहुत आसान सा है, आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, ये प्रश्न मैंने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का योगफल 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है। दोस्तों औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, औसत होता है योग, किनका जो इकाई दी गई है और उनकी क्या होगी संख्या। अब देखो दोस्तों योग निकालना है, संख्याओं का योग, योग निकालना है तो संख्या क्या होगी, संख्या इंटू औसत। तो देखो दोस्तों 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं का योग कितना, 5 संख्याओं का योग
कितना दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है 240। ये तो पांच संख्याओं का आ गया। अब देखो इसमें से पहली दो संख्याओं का औसत कितना, पहली दो संख्याएं हैं तो देखो दो का योग, दो का योग बटा दो, यही तो आएगा औसत। बराबर कितना दे रखा है आपको, 30 दे रखा है। तो दो का योग कितना होगा, दो संख्याओं का योग कितना होगा, 30 को दो से गुणा किया तो कितना, 60। मतलब क्या करें, औसत को संख्या से गुणा करेंगे, औसत कितना 30, संख्या कितनी 2, तो दो संख्याओं का योग आ जाएगा। तो दो संख्याओं का योग कितना, दो संख्याओं का योग आ गया अपने पास कितना दोस्तों, 60। ऐसे ही अगली दो का, ये प्रथम ये अंतिम, दो का योग कितना हुआ, अंतिम दो का योग हो गया कितना देखो दोस्तों, 70 है और दो संख्याएं हैं तो एक का 70 है तो दो का 140 हो गया दोस्तों, 140 सॉरी 70 गुणा 2, इसको ऐसे लिखो 70 गुणा 2, ये 70 गुणा 2 कितना हुआ दोस्त, 140 हो गया। अब देखो दोस्तों, दो और दो चार संख्याएं आ गई, पांच का 240 और चार का कितना, देखो कितना हुआ, चार संख्याओं का 60 और 140, तो तीसरी संख्या का कितना होगा, तीसरी संख्या का योग कितना होगा, तीसरी संख्या कितनी होगी, तीसरी संख्या आप बता सकते हैं, तीसरी संख्या कितनी होगी भाई, 240 है टोटल पाँच, उसमें से चार का योग कितना 200 है ना, 60 और 140 कितना 200, तो कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा, ये 240 ही है क्या, अंतिम का 70 है तो कितना हो जाएगा, देखो ये 240 में से कितना गया, 200 गया, तो 240 में से 200 गया तो कितना आया दोस्त, कितना आया 40 आया, तो इसका 40 आ जाएगा। और इसमें किसी में भी नहीं है तो आप आंसर लगा देंगे इनमें से कोई नहीं, बहुत आसान सा प्रश्न था, आराम से इसको हल किया जा सकता था। इसी प्रकार दोस्तों हम जो तीसरा पेपर है उसी का एनालिसिस और करेंगे, तो आज हम करेंगे बस इतना ही, अगले पेपर का सॉल्यूशन हम आप आगे देखोगे, इससे पहले कुछ और पेपर हैं उनका सॉल्यूशन आपको देखना है। दोस्तों एक बात और याद रखनी है आपको कि 1 तारीख को आपको टेस्ट देना है, 1 जुलाई को। टेस्ट जितना ज़्यादा दोगे एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आने की संभावना ही उतनी ही बढ़ जाती है दोस्तों, तो आप टेस्ट देते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर के साथ या अगले लेसन के जो टेस्ट लगा था उसके सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों।